हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं भैया फीचर सिलेक्शन की जरूरत क्या है और फीचर सिलेक्शन के टेक्निक्स क्या क्या है। सबसे पहली बात तो फीचर सिलेक्शन मतलब क्या, एक तरीके से आप इसको एट्रीब्यूट सिलेक्शन भी कह सकते हो, लेकिन भाई इसकी जरूरत क्या है मुझे एक बात बताओ, क्यों हम लोगों को फीचर को सिलेक्ट करना पड़ रहा है। सीधा सीधा वो जो डेटा है जिसमें बहुत सारे फीचर्स होंगे उसको दे दो आप ट्रेनिंग के लिए, वो अपना एक मॉडल जनरेट करेगा और उससे काम चलाओ, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन अचीव करो। लेकिन समस्या यहीं पे आती है, प्रॉब्लम यहीं पे आती है। प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा रैंडमली जनरेटेड डेटा होता है, जिसे हम रॉ डेटा भी बोल सकते हैं, वो डेटा जब हम लोग हमारे ट्रेनिंग को देते हैं और उसके बाद जो मॉडल जनरेट होता है वो बहुत ही लो एफिशिएंसी वाला मॉडल होता है। किस लिए, क्यों लो एफिशिएंसी वाला मॉडल होता है? बिकॉज जो भी आपका डेटा है उस डेटा में कई सारे थाउजेंड्स लैक्स इतने सारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस में इतने सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, इतने सारे फीचर्स होते हैं उसके अंदर, और उनमें से कई सारे ऐसे फीचर्स होते हैं, उन थाउजेंड्स ऑफ फीचर में से कुछ ऐसे चुनिंदा फीचर्स होते हैं जो कि बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है टू द ऑब्जेक्टिव दैट यू वांट टू अचीव बाय द मॉडल। बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं होते, बहुत ही यूजलेस फीचर्स होते हैं, वो भी आप उसमें डाल देते हो और उसे भी कंसिडर करते हो फॉर ट्रेनिंग पर्पस। तो भाई अगर आपने यूजलेस थिंग, इसे हम लोग बोल सकते हैं नॉइज भी डाल दी, तो आपने ट्रेनिंग के लिए नॉइज भी डाल दी, डेटा भी डाल दिया, देन हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि भैया जो मॉडल जनरेट होगा ट्रेनिंग के बाद वो बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट होगा और आपको ऑब्वियसली एक्यूरेसी 100% देगा, ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, जो इतने हजारों एट्रीब्यूट हमारे पास पड़े हुए हैं उनमें से सिर्फ हम लोग सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं ऑप्टिमल फीचर्स। मतलब क्या, वो फीचर वो जो सच में रिलेवेंट है टू द ऑब्जेक्टिव दैट वी वॉन्ट टू अचीव, टू द मॉडल दैट वी वॉन्ट टू बिल्ड, उससे बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, यूजफुल है टू गेट द एम और द ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर मॉडल गेटिंग अचीव। तो वो सारी चीजें वो हम लोग ऐसे क्या करते हैं, पहले तो बहुत सारे फीचर दिए होते हैं, उसमें से एक सबसेट ऑफ फीचर हम लोग सिलेक्ट करते हैं बाय यूजिंग फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स, और फिर उन सबसेट ऑफ फीचर जो हम लोगों ने अभी निकाला है बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स, उसे हम लोग देते हैं भैया ट्रेनिंग के लिए, और फिर उससे जो मॉडल जनरेट होता है उसकी एक्यूरेसी हाई होती है एज कम्पेयर विद द प्रीवियस केस जो कि मैंने बताया था, जिसमें थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स अननेसेसरली पड़े होते हैं और उससे एक मॉडल जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो अभी जिज्ञासा तो जानने के लिए हो गई होगी कि भैया वो कौन से तीन टेक्निक्स है, तो वो तीन टेक्निक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये फिल्टर मेथड्स है, रैपर मेथड्स है, एम्बेडेड मेथड है। तो सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ फिल्टर मेथड में क्या क्या आता है। बेसिकली यहाँ पे जो भी मैंने लिस्ट डाउन किया है वो प्राइम आईएमपी मेथड्स है ऑफ द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। ठीक है, जैसे कि आईजी मतलब इन्फॉर्मेशन गेन मेथड, देन देयर इज अ चाई स्क्वायर टेस्ट आपको पता होगा, इन्फॉर्मेशन गेन आपको पता होगा जब एंट्रोपी पढ़ाया था, उसके बाद कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, तो अभी ये जो फिल्टर मेथड्स हैं इसका जो सार है, इसका जो जनरलाइज्ड वर्जन है वो अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, व्हाट एक्चुअली फिल्टर मेथड्स आर ट्राइंग टू डू, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, काफी स्मॉल डेटा है, बहुत ही स्मॉल, जिसमें पांच एट्रीब्यूट्स हैं और ये जो टी दिख रहा है दिस इज माय टारगेट एट्रीब्यूट। ठीक है, ओके, अभी इसके आगे हम लोग देखते हैं कि भैया फिल्टर मेथड्स करते क्या है। हम लोग सिर्फ एक ही चीज चेक करते हैं कि अगर मैं उठाता हूं इस एट्रीब्यूट को, इस फीचर को, मान लो एट्रीब्यूट ए को उठाता हूं, तो मैं उसको चेक करता हूं कि भैया वो टारगेट एट्रीब्यूट के साथ कितना कोरिलेटेड है। कोरिलेशन मतलब क्या कि अगर आप ए की कोई वैल्यू चेंज करोगे तो अकॉर्डिंगली टी की भी वैल्यू उसी रिस्पांस में चेंज होने वाली है। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि भैया ये एट्रीब्यूट और ये टारगेट एट्रीब्यूट कितना कोरिलेटेड है। उसी तरीके से हम लोग क्या करते जाते हैं, हर एक एट्रीब्यूट को लेते हैं, टारगेट एट्रीब्यूट से चेक करते हैं कि भैया ये कितना कोरिलेटेड है, बी को उठाएंगे चेक करेंगे टारगेट एट्रीब्यूट के साथ कि कितना कोरिलेटेड है, सिमिलरली डी को भी, सी को भी और ई को भी, ऐसे हम चेक करते जाते हैं कि किस तरीके से कोरिलेटेड है। एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, जैसे कि अभी इस ए में जितने भी वैल्यूज हैं अगर वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली आपके टारगेट जो एट्रीब्यूट है उसकी भी वैल्यूज इंक्रीज या डिक्रीज होती जा रही है बराबर, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि भैया वो कोरिलेटेड है, बिकॉज इसकी वैल्यूज भी डाउनवर्ड्स इंक्रीज हो रही है, इसकी वैल्यूज भी डाउनवर्ड इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या कि जैसे ये चल रहा है उस तरीके से ये भी चल रहा है, भाई दे आर हाईली कोरिलेटेड। तो उस वक्त हम लोग कह सकते हैं कि यस दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज ऑफ अ प्राइम इंपॉर्टेंस बिकॉज इट इज मेकिंग अफेक्ट ऑन द टारगेट एट्रीब्यूट, ये कुछ ना कुछ असर छोड़ रहा है, बिकॉज जैसे ये वैल्यूज बढ़ रही है वैसे ये वैल्यूज भी बढ़ रही है। सो देयर इज सम कोरिलेशन, देयर इज सम डिपेंडेंसी ऑफ दिस टारगेट एट्रीब्यूट ऑन दिस एट्रीब्यूट ए, तो हम इस एट्रीब्यूट को कहेंगे रिलेवेंट एट्रीब्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म
फिल्टर मेथड में हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चेक करते हैं वो है रिलेवेंस ऑफ एट्रीब्यूट, कि भाई अगर इसको हमें ट्रेनिंग में देना है इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को तो ये कितना रिलेवेंट है, ओके ये कितना रिलेवेंट है फॉर द ऑब्जेक्टिव दैट वी वांट टू गेन, बराबर। तो उस हिसाब से हम लोग का ए सबसे ज्यादा रिलेवेंट हो गया बिकॉज ये हाईली कोरिलेटेड है विद द टारगेट ए, बराबर। अब दूसरी केस लेते हैं कि जहां पे कोई भी रिलेवेंस नहीं है, एक इररिलेवेंट सब बेचारा एट्रीब्यूट आके बैठा हुआ है, तो उसे कैसे चेक करेंगे, उसमें बिल्कुल भी कोरिलेशन नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टारगेट। फॉर एग्जांपल मेरा एक बी एट्रीब्यूट है, ठीक है, अब मैंने बी एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यूज है उनको चेक किया अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ द टारगेट एट्रीब्यूट, तो मुझे क्या दिखा कि देर इज नो कोरिलेशन इन बिटवीन देम। कोरिलेशन जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं, जैसे कि आपका एक स्टूडेंट का डेटा सेट है, उसमें स्टूडेंट के क्या होते हैं स्टूडेंट आईडीज या फिर रोल नंबर होते हैं, तो समझ लो वो रोल नंबर ऐसे हैं 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 इस तरीके से जा रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और आपका टारगेट एट्रीब्यूट क्या है, टारगेट एट्रीब्यूट समझ लो रिजल्ट है, दैट इज पास फेल, पास फेल। तो अभी कॉमन सेंस लगाओ कि रोल नंबर, ओके रिमेंबर रोल नंबर या फिर स्टूडेंट आईडी के ऊपर आप क्या बता सकते हो कि कोई स्टूडेंट पास है या फेल है, ऑब्वियसली नॉट। सो इस वजह से ये जो भैया मेरा एट्रीब्यूट है दैट इज रोल नंबर स्टूडेंट आईडी, ये पूरी तरीके से इररिलेवेंट है, इसमें कोई भी आपका क्या बोलते हैं कोरिलेशन नहीं है विद दैट of the टारगेट एट्रीब्यूट, बराबर। अगर मैं समझो जैसे कि अभी ये मेरे नंबर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैंने समझा ये पास है, फिर ये फेल है, फिर ये फेल है, ये पास है, ये फेल है, ये पास है, ये फेल है, ये पास है, ठीक है। सो यू कांट फाइंड एनी कोरिलेशन बिटवीन देम, इसकी वजह से, इन वैल्यूज की वजह से यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ये सिंपल सी बात है। तो ये जो बंदा है, ये जो एट्रीब्यूट है, ये पूरी तरीके से इररिलेवेंट है, ओके इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे, इसे एलिमिनेट करेंगे, और जो जो रिलेवेंट होंगे, जो जो रिलेट करते हैं विद दैट ऑफ द टारगेट एट्रीब्यूट, उसी को कंसीडर करके आगे बढ़ेंगे, उन्हीं पर्टिकुलर फीचर सबसेट को जनरेट करके हम लोग उसे ट्रेनिंग के लिए देंगे और एक मॉडल जनरेट करेंगे। तो ये काफी आसान सा मेथड हो गया, इसकी थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हाई करते हैं और देखते हैं भैया रैपर मेथड्स कौन-कौन से हैं। रैपर मेथड्स में सबसे इंपॉर्टेंट टू मेथड्स, दैट इज रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन एंड जेनेटिक एल्गोरिथम। अब ये रिकर्सिव फिल्टरिंग एलिमिनेशन भैया ये क्या कहना चाहता है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस, what they are trying to say with this, okay? ये जो इसका generalized opinion है इस wrapping method का, मैं आपको बताता हूँ। What do you mean by wrap? Wrap मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों को wrap up करना, बराबर है कि नहीं? तो हम लोग करते क्या इस method में, एक generalized view आपको बता रहा हूँ of the wrapper method। तो होता क्या है कि हम लोग पहले attribute A को select करते हैं और target attribute को select करते हैं और इन दोनों को दे देते हैं हम लोग, इन दोनों को मिला के हम लोग दे देते हैं for training। और ट्रेनिंग से जो आउटपुट जनरेट होता है वो एक मॉडल जनरेट होता है, बराबर। तो हमने किया क्या, व्हाट वी डिड अ वेरी सिंपल थिंग, इस एट्रीब्यूट को उठाया और इस एट्रीब्यूट को उठा रहा है, ऑब्वियसली टारगेट एट्रीब्यूट आपको चाहिए होगा, और इन दोनों को हम लोगों ने ट्रेनिंग के लिए दिया और एक मॉडल जनरेट किया, वी जनरेटेड द मॉडल नंबर वन, एक मॉडल जनरेट किया, ठीक है। फिर उसकी एक्यूरेसी, उसका एरर रेट, वो सब कुछ जो पैरामीटर है वो हमने सारे चेक किए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ए और बी को हमने लिया, ए और बी को लिया और इस टारगेट एट्रीब्यूट को लिया, इन दोनों को लिया और फिर उससे एक और मॉडल जनरेट किया M2। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, पहले A एट्रीब्यूट से एक मॉडल जनरेट किया, फिर A और B दोनों को लिया, दोनों फीचर्स को लिया, दोनों एट्रीब्यूट्स को लिया और टारगेट एट्रीब्यूट को भी भाई साहब लिया और फिर उसको मैंने क्या दिया, ट्रेनिंग के लिए दिया। ट्रेनिंग के बाद एक मॉडल जनरेट हुआ, समझ लो M2 कह लो उसको। उसके बाद मैंने क्या किया, ए बी सी, अभी उसके बाद थर्ड मैंने क्या किया, ए बी सी लिया और ए बी और सी ये मैंने लिया यहाँ पे और ये टारगेट भी लिया और इन दोनों को देके मैंने ट्रेनिंग किया और एक मॉडल नंबर 3 जनरेट किया। तो आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। पहले मैंने ए लिया, फिर उसके बाद ए बी लिया, फिर उसके बाद ए सी लिया, या फिर उसके बाद ए बी सी भी ले सकते हो आप, यू कैन टेक एनीथिंग। ए और सी इन दोनों को लेके, मतलब इन दोनों को लेके भी आप क्या कर सकते हो, एक और मॉडल जनरेट कर सकते हो, दैट इज M4। समझ में आया? सो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, सबसेट ले रहा हूं, फीचर्स का सबसेट ले रहा हूं, बराबर। उनको मैं क्या कर रहा हूं, टारगेट एट्रीब्यूट के साथ मिला के ट्रेनिंग के लिए दे रहा हूं और मॉडल जनरेट कर रहा हूं और उस मॉडल का पर्टिकुलरली एक्यूरेसी और एरर रेट निकालने की कोशिश कर रहा हूं और डिफरेंट मेजर्स जो होते हैं एक मॉडल से रिलेटेड वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, बराबर। तो हमारे पास यहां पे क्या हो गए, मल्टीपल मॉडल्स, ये बहुत यूजफुल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल मॉडल्स वी हैव जनरेटेड, मल्टीपल मॉडल्स बाय यूजिंग द डिफरेंट सेट ऑफ
फीचर्स, सबसेट ऑफ फीचर्स, हमने अलग अलग सेट ऑफ यू नो सबसेट ऑफ फीचर्स यूज किए, उनसे एक एक मॉडल बनाया, और फिर अभी हमें देखना है कि सबसे यूजफुल या फिर सबसे यूजफुल जो मॉडल है, जो सबसे करेक्ट सबसे एक्यूरेट जो मॉडल बना है, उस मॉडल में कौन से फीचर यूज किए हैं, तो वो फीचर का जो सबसेट है वो यूज करेंगे हम लोग फाइनली हमारे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमें अचीव करना है यूजिंग अ मॉडल, वो हम लोग सबसेट ऑफ फीचर, वो पर्टिकुलर सबसेट ऑफ फीचर हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, सिंपली हम लोगों ने फीचर लिए, सबसेट ऑफ फीचर लिए, उनको हम लोगों ने टारगेट एट्रीब्यूट के साथ दिया, और क्या जनरेट किया एक तरीके से, व्हाट वी जनरेटेड, वी सिंपली जनरेटेड द मॉडल, बराबर, हमने मॉडल जनरेट किए, मॉडल की एक्यूरेसी चेक की, अदर मेजर्स चेक किए, और उसके बाद हमें पता चला कि भैया सबसे बेस्ट कौन सा मॉडल है, वो बेस्ट मॉडल पता लगने के बाद फिर हम लोग थोड़ा बैक ट्रैक करते हैं, पीछे आते हैं, पीछे आने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो बेस्ट मॉडल है इसके लिए हमने कौन सा सबसेट ऑफ फीचर चुना था, एक बार हमें पता चल गया कि हाँ ये सबसेट ऑफ फीचर चुना था, तो ये हम लोग मेन ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए, मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये दो फीचर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। इस तरीके से फीचर्स का सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा हाईली कंप्यूटेशनली यू नो एक्सपेंसिव है, बहुत ही खर्चे वाला काम है भैया, ये बहुत ही खर्चे वाला काम है, बिकॉज अगर यहां तो समझ लो भैया 1 2 3 4 5 और ये टारगेट एट्रीब्यूट, तो 5 एट्रीब्यूट थे तो ऑब्वियसली आपने इतने बना लिए, अभी तो बहुत सारे बन सकते हैं, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए इतने मॉडल ही बनाए, बहुत सारे मॉडल्स बन सकते हैं। तो सोचो अगर मेरा बिग डेटा होगा या फिर यू नो बहुत ज्यादा डेटा, बड़ा डेटा जिसमें कि भैया 5 नहीं हजारों लाखों फीचर्स होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े फीचर्स होते हैं, तो उस केस में क्या किया जाएगा। तो इसीलिए उस केस में अगर आपने रैपिंग मेथड्स, ये दो मेथड्स जो रैपिंग मेथड्स में आते हैं, उनको अगर इम्प्लाई किया, इंप्लीमेंट किया, तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, खर्चालू काम हो जाएगा। और जो तीसरा मेथड है एम्बेडेड मेथड, एक तरीके से आप कह लो कि ये दोनों ही सेम ही काम करते हैं, इन दोनों का जो मोटिव है वो है यूजफुलनेस को फाइंड करना, एट्रीब्यूट की यूजफुलनेस को फाइंड करना कि भैया ये एट्रीब्यूट कितना यूजफुल है फॉर जनरेटिंग द पर्टिकुलर टारगेट। तो हम लोगों ने पहले इसमें देखा रिलेवेंस, रिलेवेंस ऑफ एट्रीब्यूट, और इन दोनों में हम लोग क्या देखते हैं, सिमिलर मेथड, सब कुछ सेम है, हम लोग उसमें क्या देखते हैं कि भैया व्हाट इज द यूजफुलनेस। खाली जो उन दोनों में डिफरेंस, मतलब रैपर मेथड और एम्बेडेड मेथड में जो खाली डिफरेंस है वो इतना ही है कि जैसे मैंने बताया कि रैपर मेथड्स आपके बहुत ही ज्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, लेकिन ये थोड़ा सा लेस कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है। यहाँ पे आपको जो बोलते हैं ना ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम, यू कैन एनकाउंटर ओवरफिटिंग प्रॉब्लम इन द रैपर मेथड्स आल्सो, बट यहां पे द पोटेंशियल ऑफ द ओवरफिटिंग इज वेरी लेस इन द एम्बेडेड मेथड। और एम्बेडेड मेथड का सबसे बेस्ट एग्जांपल डिसीजन ट्री, मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आपको जानना है डिसीजन ट्री के बारे में अच्छी तरीके से, तो सॉल्व एग्जांपल के साथ आप देख सकते हो, उसे मैंने प्लेलिस्ट में है, वीडियोज में है, मैंने बना के रखा हुआ, इसके ऊपर जरूर देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन था। तो ये आपके एम्बेडेड मेथड होते हैं जो कि डिफर करते हैं बाय द बेसिकली रैपर मेथड्स इन दैट वे कि भैया कंप्यूटेशनली थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है, एंड ऑब्वियसली इट डज नॉट एनकाउंटर्स द ओवरफिटिंग फिनोमेना, ठीक है। और एक तरीके से दोनों का जो बेनिफिट्स है वो ये एम्बेडेड मेथड यूज करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में जितना मेरे से बन पड़ सकता था, जितना अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता था फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स को जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, मेरी तरफ से आपके लिए एग्जाम में थोड़ी बहुत ये वीडियो मदद साबित हुआ होगा, तो दोस्तों मेरी भी मदद कर दीजिए, अपने दोस्तों की मदद कर दीजिए बाय शेयरिंग द वीडियोस एंड लाइकिंग माय वीडियोस, बाय शेयरिंग द वीडियोस एंड लाइकिंग द वीडियोस। थैंक्स अलॉट दोस्तों, मेरी मदद को अपने दोस्तों तक जरूर जरूर पहुंचाते रहिए। थैंक्स अलॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।